हेलो बच्चों, एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। आप सभी विद्यार्थी नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन रख लीजिए। मैं जैसा बताता हूँ आप नोट्स बना लीजिए। और ये 10th क्लास से भी आपने पढ़ा होगा, 12th में भी है, दोनों में है, दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ये टॉपिक। ये प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन और कूढ़ांतरिक परावर्तन दर्पण वगैरह ये 10th में भी है और 12th में भी है, दोनों में है। तो 10th वाले विद्यार्थी भी इसका नोट्स बना ले और 12th वाले भी बना ले, बहुत आसान है। तो हमने आपको जो है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब क्या करेंगे कि विभिन्न जो जैसे माध्यम अलग अलग होते हैं, पानी है, कांच है, हवा है, इन माध्यमों में आपस में इन माध्यमों की अपवर्तनांकों में रिलेशन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध अब ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा पहला है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1:2 = हमारा, जैसे हम इसको एक तरीके से ये लिख सकते हैं, जैसे ये 2n1। अब आप एक ध्यान ही रखेंगे कि यदि इसको हम उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि पहला माध्यम हवा A है तथा दूसरा माध्यम कांच यानी कि जी हो, तो क्या होगा कि AnG बराबर, तो ऐसा करो तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, AnG = 1/GnA, ये होता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा ये कहा जाए कि आपका, यहीं से उठा लेते हैं हम कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक। अब ये ध्यान ये रखना है कि अब जैसे जल का अपवर्तनांक है तो जिसका अपवर्तनांक होता है वो नीचे रहता है। जैसे ये है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच कहाँ है, नीचे। ये क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरा कहाँ है, नीचे। तो ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष तो अपवर्तनांक क्या होता है, एन होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, एन। तो एन क्या हो जाएगा, अब किसके किसके सापेक्ष है, जी के, और किसका है, डब्ल्यू का है, ठीक है। तो इसमें GnW यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो इसमें जैसे इसका रिलेशन क्या होगा, आप इस तरह ध्यान रखिएगा कि ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले n/n कर दो और जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर में लगा दो, और ऊपर लिखा है वो नीचे लगा दो, और दोनों को एयर के सापेक्ष कर दो, बन गया आपका रिलेशन, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और एयर के सापेक्ष कर दो, ये हमारा यानी कि कांच और जल के बीच अपवर्तनांक बन गया। या इसी प्रकार क्या होगा कि
आपका है जैसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो क्या होगा डब्ल्यू एन जी, ये ऊपर जिसका होता है वो नीचे, क्या करेंगे एन बटे एन, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एयर के सापेक्ष लगा लीजिए। तो ये क्या है भिन्न भिन्न जो है माध्यमों के अपवर्तनांकों में रिलेशन है, इन पर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये यदि उल्टा कर दें तो वन अपॉन कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि एन जी है तो ये जी एन ए हो जाएगा, और यदि डब्ल्यू एन जी है तो ऊपर जी नीचे डब्ल्यू, ऊपर ग्लास नीचे वाटर, और एयर के सापेक्ष लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, डब्ल्यू की जगह एल भी ले सकते हैं। अब आपका एक आता है कि यदि पानी की वास्तविक गहराई एच तथा आभासी गहराई स्मॉल एच हो तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो ये क्या होगा ए एन एल लिक्विड वाटर लिख सकते हैं आप, या चलो वाटर लिख दो ए एन एल, बराबर क्या होगा पानी की वास्तविक गहराई बटे पानी आवासी गहराई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच, ठीक है। तो ये विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक है और इनको आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है इनके सवाल करा देते हैं, जैसे इस पर है, इस पर है, एक आपका जो है वो था अपवर्तनांक का फॉर्मूला था, जैसे ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक एन बराबर सी अपॉन बी, ठीक है। दूसरा था आपका वन एन टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये सारे क्या होते हैं ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये माध्यम के साथ ही दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब मान लो पहला माध्यम हमारा हवा हो तो ए एन, दूसरा माध्यम जी, तो ये क्या हो जाएगा एयर में, और ये क्या हो जाएगी ग्लास में। तो ये पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम ग्लास है, तो क्या हो जाएगा ये वन की जगह क्या ए लग गया, तो वन की जगह ए लगा दो, टू की जगह जी लग गया और टू की जगह जी लगा दो। ये क्या हो गया कि हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये होता है। अच्छा हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये जो है आपकी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये आपका विभिन्न माध्यम में रिलेशन होगा। तो अगले हम आपको वीडियो में जो है इनके सवाल करा देंगे और आप अगली वीडियो जरूर देखें, और ये हमारा वीडियो हमारी पढ़ाई आपको समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और कोई आपको अच्छी नहीं लगी, कोई आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि ये जो है चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है ऐसा कैसे, ठीक है। तो इसके जो इतने सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में आपको करेंगे। तो ये चैप्टर सेकंड का ये अगला टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और है चैप्टर में, बस ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगला चैप्टर है क्रांतिक कोण और कुलांतरिक परावर्तन, तो दो टॉपिक और रह गए हैं वो इसके बाद, इससे हम संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे अगले उसमें, और उसके बाद हम आपको
कूलांतर परावर्तन और क्रांतिक कोण, दो आपको टॉपिक कराते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में इतना ही। अगले न्यूमेरिकल देखने के लिए आप अगले वीडियो का जरूर देखें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके।